जय हिंद जय भारत। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? और आज है दिन बृहस्पतिवार 12 तारीख, और आपको सन 2023 की पहली बारिश की ढेर सारी शुभकामनाएं। बारिश हो रही है और समय हो रहा है 10:40 रात के, और यहाँ पे जो है मेरी माता जी ने पेड़ लगा रखे हैं। मैंने पहले भी एक वीडियो में दिखाए थे, और मैं आ गया हूँ अपने सैन कक्ष में, अपने बेडरूम में सोने के लिए। और पेड़ों पे एकदम ना रौनक आ गई। देखो, कुछ बूंदे पड़ी हैं अभी तो बारिश की, अभी 15-20 मिनट हुए बारिश को पड़ते हुए, लेकिन पेड़ ना खिलखिला गए रात में। बहुत अच्छा व्यू लग रहा है पेड़ों में भाई। अभी दिखाता हूँ आपको, लाइट जा चुकी है तो रोशनी की समस्या है बाहर, और बिजली जो है बहुत तेज़ गड़गड़ा रही थी, अभी शायद कहीं पर पड़ी है ऐसा लग रहा है मुझे। अब तो नहीं गड़गड़ा रही, लेकिन बारिश की आवाज़ आप सुन सकते हैं, बारिश पड़ रही है। अभी दिखाता हूँ, मेरे को देखो आपको, ये देखो आप, पेड़ों पे ना एकदम बूंदे पड़ते के साथ ही रंगत आ गई। अभी बारिश पड़ रही है। ये मेरे घर का छोटा सा बगीचा जो मेरी माता जी ने और मेरी बहन जी ने सजा रखा है। रात को वैसे पेड़ों को परेशान नहीं करना चाहिए, इसलिए मैं टच नहीं करूँगा, क्योंकि ऐसा मानना है रात में पेड़ सो जाते हैं। गुलाब, ठीक है, और ये वाइट गुलाब, वाइट रोज़, बस मुझे गुलाब की पहचान है, बाकी की नहीं है। और ये पिंक येलो, ये मिक्स है, देखो। और ये रेड, और एक ऊपर ये लग रहा है, और इसी तरीके से यहाँ लग रहा है। और बारिश पड़ रही है, देखो आवाज़ आ रही है बारिश की आप लोगों को, दिखाई नहीं देगी क्योंकि ये स्ट्रीट लाइट लग रही है यहाँ पर मेरी रेलिंग के पास में, ये हो चुकी है बंद, क्योंकि जब बिजली गड़कती है ना तो जो है लाइट जो है कट कर देते हैं। ये लाइट जा चुकी है, बारिश हो रही है। एक चीज़ तो निश्चित है कि सुबह को जो है मौसम साफ रहेगा, और जिस तरह से आज धूप निकली थी वैसे ही, अगर फॉग तो आएगा नहीं, कोहरा नहीं आएगा क्योंकि बारिश हो गई, तो जो आज वास्तु उत्सर्जन हुआ था वो कोहरा नहीं बनाएगा। अगर बारिश नहीं होती तो कल को कोहरा आता, तो कल को जो है धूप निकलेगी बहुत अच्छी वाली, ये बात अच्छी है। और आज जो है धूप निकली थी हमारे यहाँ धामपुर में लगभग 15 दिन बाद, इतनी अच्छी धूप, वरना रोज़ ठंड हो रही है भैया। इस बार तो बड़ी कड़ाके की ठंड है, और इस बार की ठंड ने ना बचपन याद दिला दिया, इतनी अच्छी ठंड हो रही है इस बार तो भाई। तो अब हम चलते हैं अपने बेडरूम में, ये मेरा जिम कम स्टोर है घर का, मेरे यहाँ मेरा जिम भी है और ये आधे में स्टोर भी है। अभी फिलहाल तो 1.5 साल हो गया, धूल जमी पड़ी है सारे सामान पे मेरे, देखो एक मशीन वो लग रही है, ये सब ऐसे रखो है, सब पे धूल जम गई, 1.5 साल से कर ही नहीं रहा मैं बिल्कुल भी। ये मेरी बेंच, तीनों मेरे पास, ये कर्लिंग रॉड, ये आर्म्स वाली है, ये चेस्ट वाली है। 2021 जुलाई में बंद किया था मैंने, इस वाले कंधे में ना दर्द होने लगा था, तब से मैंने बंद कर दिया था। अब मैं लाइट ऑफ कर देता हूँ, वेट, और ये भी गई, अब हो गया यहाँ मेरा ब्लॉक। और अब आ गए हम अपने बेडरूम में, ये आ गया हमारा बेडरूम, ये मेरा बेड, और ये मेरी टेबल, ये मेरी बुक्स, होम थिएटर है म्यूजिक सुनने के लिए मेरा। अब हम बिस्तर लगाते हैं अपना, उसके बाद हम सोएंगे, थोड़ी देर तक बैठेंगे, अब कहीं जाए तो नया ब्लॉग बने,
तो जब तक नया ब्लॉग नहीं बन पा रहा है तब तक आप इसी से काम चला लीजिए। फिर कहीं जाऊंगा तो नया ब्लॉग बनाऊंगा, मैं छिपकली दिखाऊंगा। आज मेरे कमरे में रूम में छिपकली आ गई, देखो ये रही। कहा भाई ये रही, ये रही, देखो दिख गई। ये कल नहीं थी लेकिन आ जाइए। ये ठीक है, अब कहीं जाऊंगा घूमने तब नया ब्लॉग बनेगा, तब वो अपलोड होगा। तो फिलहाल आप इसी से काम चलाइए, और जो मेरे ब्लॉग पे नए हो वो इसको सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। लेकिन एक शिकायत है कि जितने सब्सक्राइबर हैं मेरे फिलहाल मेरे यूट्यूब ब्लॉग पर शायद 8000 हो चुके हैं, उसके अकॉर्डिंग मेरे व्यूज़ नहीं आ रहे हैं। तो प्लीज़ ऐसा मत करो भाई, एक ट्विस्ट आ जाएगा लाइफ में, तो आप लोग मुझे कोऑपरेट करें। बस आज ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा। जय हिंद, जय भारत, गुड नाइट।